Good morning, students. In the previous two lectures, we were discussed what is called drama, how it is established, and the basic elements of theater, in which we have completed the text, which is very important in the performance, then audience is very essential, okay, reception, and then genre. We took up these elements, and now we are going to discuss it further. Convention, a dramatic convention is a set of rules which is shared by both the audience and actors. ये एक तरीके का नाटकीय convention है जिस जो एक तरीके का सेट रूल है कि ऑडियंस को किस तरीके से पेश आना है और एक्टर्स को किस तरीके से पेश आना है. उनके एक सेट रूल्स होते हैं, उनको उसी लिमिट और दायरे में रहना है. ऑडियंस उठ के स्टेज पर नहीं आ सकता, उसकी लिमिटेशंस हैं. और एक्टर्स को अपनी एक्टिंग स्क्रिप्ट और डायरेक्टर के मुताबिक करनी पड़ती है, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं. ठीक है, दीज रूल्स एक्ट एज अ यूजफुल वे ऑफ क्विकली सिग्निफाइज द नेचर ऑफ द एक्शन और ऑफ अ करेक्टर. जो यही सेट रूल्स जो होते हैं ना, आसानी से दर्शाते हैं कि कोई भी करेक्टर का कुछ भी एक्शन होने लग रहा है ना, उसको दर्शाना, वो सिग्निफाई करना, वो कन्वेंशंस होता है कि एक्टर्स को किस तरीके से पेश आना है और कितनी लिमिटेशन. और उसके वो बंधा हुआ होता है कि जिस करेक्टर को वो निभा रहा है उसको बखूबी निभाने के लिए उसको स्क्रिप्ट में जैसी मांग है और डायरेक्टर की जैसी मांग है उसको उसी तरीके से वो पेश करना पड़ता है. और यही दोनों के बीच में कनेक्शन बनाता है कि जिस तरीके से वो करेक्टर को निभाएगा, एक इंसान किसी भी पात्र को निभाएगा, और वो एज इट इज़ ऑडियंस के दिल तक जाएगा. तो ये दर्शाने का तरीका ही कन्वेंशन होता है. ठीक है, नेक्स्ट है डायलॉग. बॉल्टन राइटली आर्ग्यूज दैट अ प्ले इज़ इट्स डायलॉग. बॉल्टन एक राइटर है, उन्होंने क्लियरली ये बोला है, हमारे इस प्ले में भी देखने को मिलेगा. अ प्ले इज़ इट्स डायलॉग. प्ले अपने आप में डायलॉग्स के लिए महत्वपूर्ण है. डायलॉग जानदार नहीं होंगे तो कहानी उतनी मज़ेदार नहीं होगी और उसको अच्छी तरीके से दिखेगी भी नहीं स्टेज पर. वो जैसे शोले पिक्चर अपने आप में इतनी इन्फ्लुएंशियल है या फिर इतनी पॉपुलर है, क्यों? क्योंकि उसके डायलॉग्स इतने पॉपुलर हैं. जो महज आम डायलॉग है लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन इस तरीके से है कि वो डायलॉग्स ही बहुत इम्पोर्टेंट और पॉपुलर इतने हो गए कि हम सब को आज तक भी याद है कितने आदमी थे. नॉर्मल बात पूछी जा रही है लेकिन ये प्रेजेंटेशन इस तरीके की है कि वो पॉपुलरिटी गेन करता चला गया डायलॉग ही. तो डायलॉग बड़े इम्पॉर्टेंट है किसी भी थिएटर में या फिर प्ले में को इम्पॉर्टेंट बनाने में. ही आर्ग्यूज दैट अ प्ले कैन सर्वाइव ऑलमोस्ट एनीथिंग. वो कहते हैं, बॉल्टन कहते हैं कि प्ले कुछ भी चीज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ के. एक लूज़ प्लॉट नहीं होना चाहिए कि कहाँ से कहानी कैसे रुख मोड़ के गई है, वो लूज़ प्लॉट नहीं होना चाहिए. और डिस्टर्बिंग थीम भी डिस्टर्बिंग नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी थीम पे ही निर्भर ना हो कि क्या चीज़ कैसी है और समझ में ना आए भाई क्या दिखाना चाहते हैं, मेन थीम क्या है, मेन मोटिव क्या है उस कहानी का, वो समझ में ना आए तो वो वेस्ट है थिएटर पे कहानी को दिखाना. टाइप्स रादर देन करेक्टर्स. ठीक है, अलग अलग तरीके के करेक्टर्स को दिखाना. हिस्टोरिकल इन अकरेंसेज. अगर हिस्टोरिकल कोई चीज़ आप पुरानी ऐतिहासिक कोई चीज़ उठा कर लेके आए हैं और वो फैक्चुअल या फिर करेक्ट नहीं है तो वो बेकार है आपको हिस्ट्री से वो पीस उठाना. ठीक है, एंड ओवर स्टेटमेंट एंड एग्जग्रेशन. बहुत सारी चीज़ें या बढ़ा चढ़ा के दिखाना इमोशनली भी या एक्टिंग से भी, वो ज़्यादा चीज़ें दिखाना वो भी बेकार है. बट अ प्ले विद मैनी अदर मेरिट्स कैन नॉट सर्वाइव इफ़ द डायलॉग इज़ होपलेसली नॉन स्पीकेबल.
अब इन सब चीज़ों के बिना तो कहानी नहीं बन सकती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर डायलॉग्स ही नहीं होंगे ना, वही अपनी मेरिट्स पर बखूबी तरीके से उतर रहे नहीं होंगे, तो बेकार है वो डायलॉग्स, बेकार वाले डायलॉग्स को कहानी में रख के और कहानी को थिएटर पे उतारना बेकार है, अगर वो ठीक तरीके से बोले ही ना जाए तो। बात है ये कहने की कि डायलॉग्स अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमें कभी भी इम्पॉर्टेंट या फिर पॉपुलैरिटी या फिर डिसपॉपुलैरिटी वो सब दिखा सके। तो डायलॉग अपने आप में बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं स्टेज पर परफॉर्मेंस में। नेक्स्ट है स्टेज क्राफ्ट। स्टेज क्राफ्ट स्टेज पर होने वाली सारी चीज़ें, प्रॉप्स हो गए या फिर जितनी भी टेक्निकल चीज़ें यूज़ करी जाती हैं स्टेज में काम आने वाली, ये सारी जो छोटे छोटी चीज़ें हैं ना, वो स्टेज क्राफ्ट में ही गिनी जाती हैं। ठीक है, स्टेज के काम में गिनी जाती है जब परफॉर्मेंस होती है। स्टेज क्राफ्ट इज़ द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ थिएट्रिकल प्रोडक्शन। ठीक है, थिएटर में कोई चीज़ निभाई जा रही है, उसमें यूज़ होने वाली छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ को स्टेज क्राफ्ट के हिस्से में ही आती है वो। ठीक है, उसमें टेबल, कुर्सी, कॉस्ट्यूम, मेकअप, लाइटिंग, प्रॉप्स, जो भी चीज़ें यूज़ करी जाती है वो सब स्टेज क्राफ्ट आती है। इवन कोई करेक्टर अपने हाथ में पर्स भी पकड़ रहा है, या न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, या चाय का कप ले रहा है, वो सब स्टेज क्राफ्ट में आती हैं। इट इंक्लूड्स बैकड्रॉप, साउंड, लाइट, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप एंड प्रिक्योरमेंट ऑफ प्रॉप्स, स्टेज मैनेजमेंट एंड रिकॉर्डिंग एंड मिक्सिंग ऑफ साउंड। ये सब चीज़ें आपको, जैसे मैंने बताया, ये सारी चीज़ें स्टेज क्राफ्ट में यूज़ करी जाती हैं। जब हम कोई थिएटर पे कोई प्ले या कोई कहानी दिखा रहे हैं, उसमें यूज़ होने वाला एक एक हिस्सा, एक एक चीज़, वो सब की सब स्टेज क्राफ्ट में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। द ड्रामेटिस्ट मेक्स यूज़ ऑफ दीज थिंग्स सेपरेटली और कंबाइंड। और ड्रामेटिस्ट ही है जो कहानीकार है, वो ही इन सब चीज़ों को अलग अलग तरीके से दिखा सकता है या फिर कंबाइंडली इन सब चीज़ों को दिखा सकता है। ठीक है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्शन ऑफ द प्ले, जैसे ज़रूरी है उस प्ले में, कहानी में ज़रूरी है, उसी तरीके से लेखक उसको साथ में या फिर अलग अलग दिखा सकता है इन सब चीज़ों को। सेट कंसिस्ट ऑफ द डिज़ाइन, डेकोरेशन एंड सीनरी ऑन स्टेज ड्यूरिंग अ प्ले परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर डिज़ाइन से लेके, डेकोरेशन से लेके, क्या कैसे पर्दे लगे, कि क्या सीन बने, क्रिएट किया जाएगा स्टेज पर, वो सारी चीज़ें इस प्ले के परफॉर्मेंस में जुड़ती हैं। ठीक है, स्टेज पर जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं। व्हाइल वॉचिंग अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस द ऑडियंस मस्ट इमेजिन दैट द स्टेज इज सेट एक्चुअली अ पर्टिकुलर प्लेस रिलेटेड टू द कॉरेस्पॉन्डिंग सीन। अब यहाँ पर जैसे कोई भी नाटकीय परफॉर्मेंस चल रही हो स्टेज पर, ऑडियंस को ये अंदाज़ा या फिर दिखाया जाता है, इमेजिन मजबूरी होके इमेजिनेशन दिखाई जाती है कि ऑडियंस ये मानने के लिए तैयार हो जाती है कि जो भी सीन स्टेज पर चल रहा है वो उसी पर्टिकुलर जगह पर चल रहा है। जैसे अब कहानी में अगर किसी ठंडे इलाके का जहाँ पर बर्फ़ पड़ रही हो, वो चीज़ हमें साउथ इंडिया में भी दिखाई जा रही हो, तो हमें ऐसा सीन क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसे मशीन्स का यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर वो नकली बर्फ़ डालते हैं। तो हमें ऑडियंस को इमेजिनेशन कराई जाती है गर्म प्रदेश में रहते हुए भी, कि स्टेज पर जो एक्शन सीन किया जा रहा है वो किसी ठंडे इलाके का जहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है वहाँ का दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो वो हमें इमेजिनेशन और ऑडियंस को इमेजिनेशन कराने के लिए वो सब चीज़ें स्टेज क्राफ्ट की स्किल्स हैं। वो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग उन सब चीज़ों को क्रिएट करती हैं, माहौल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, मॉडर्न प्ले राइट्स लाइक हैरोल्ड पिंटर, सॉरी, प्रॉप्स आर आर्टिकल्स एंड और ऑब्जेक्ट्स यूज्ड ऑन स्टेज। यहाँ पर प्रॉप्स और आर्टिकल्स हैं वो सब
या ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं उनको, वो सब चीज़ें स्टेज पर यूज़ करने जाने वाली, उन्हीं को सबको स्टेज क्राफ्ट्स कहते हैं। मॉडर्न प्ले राइट्स लाइक हैरोल्ड पिंटर यूज सेट्स एंड प्रॉप्स फॉर सजेस्टिंग सम रियलिस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। यहाँ पर हैरोल्ड पिंटर नाम के आज के मॉडर्न प्ले राइट्स जो हैं वो इस तरीके के सेट्स प्रॉप्स को सजेस्ट करते हैं रियलिस्टिक टच देने के लिए। अगर हमने रियलिस्टिक कोई चीज़ जो दिखानी है, जीवंत दिखानी है, फैक्चुअल दिखानी है, सच में दिखानी है, तो वो हम उस एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को, इन सब चीज़ों को करते हैं और महत्व भी दे रहे हैं। दे ऑल्सो ऑफन मेक यूज़ ऑफ मल्टीपल सेटिंग्स एंड जम्प्स इन टाइम। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों का समय का इतना अंतराल दिखा दिया जाता है जिसमें गैप बहुत आ जाता है। एक करेक्टर प्लॉट इस तरीके का होता है कि कहानी पास्ट में चलती है, फिर प्रेजेंट में वो बूढ़ा है उस पर चलती है, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी में इतना टाइम का जंप दिखाया जाता है कि आपको उस तरीके से वो सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। उस दाढ़ी मूछें आप वाइट कर दोगे उस व्यक्ति की जिसको बूढ़ा दिखाया गया है। तो इस तरीके का स्टेज क्राफ्ट यूज़ किया जाता है कहानी को दिखाने के लिए। गैप्स इन टाइम एंड चेंजेस इन सेटिंग आर ऑफन इंडिकेट बाय डायलॉग्स। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये टाइम का गैप है, वो बोल कर पीछे से, कोई पर्दे के पीछे से बोल के बता देता है कि अब 10 साल गुजर चुकी है, या फिर कोई दिखाता हुआ चला जाता है, कोई ऐसा पोस्टर पर लिखा हुआ होता है कि 10 साल बीत गए हैं, कोई बोल के बता देता है चीज़, या कोई दिखा देता है कि सीन चेंज हो गया है, ठीक है। साउंड इफ़ेक्ट्स के ज़रिए दिखा देता है द स्टेज डायरेक्शंस, और पर्दा बदल के उसके डायरेक्शन चेंज करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इन सब चीज़ों से चेंजिंग और इमेजिनेशन जो ऑडियंस की है उसको चेंज करते हुए भी दिखाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है रिदम। रिदम प्लॉट करेक्टर लैंग्वेज एंड स्पेक्टिकल ऑल हैव देयर इंडिविजुअल रिदम्स इन टाइम। ये सारे के सारे चीज़ों में अपना अपना अलग से रिदमिक एक टाइम होता है, प्लॉट में भी, करेक्टर में भी, लैंग्वेज में भी, स्पेक्टिकल्स नज़ारों में भी जो हम देखते हैं आँखों से। द कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज रिदम्स क्रिएट्स द इम्पेलिंग फोर्स ऑफ द प्ले लीडिंग टू अ क्लाइमेक्स, फाइनल क्लाइमेक्स एंड डिनाउनमेंट। डिनाउनमेंट होता है जब कहानी अंत तक पहुंच गई है, ख़त्म हो रही है, ठीक है, एंड आ रहा है उस कहानी का वो। तो ये कहना चाह रही हैं कि हर एक चीज़ की अपनी एक रिदमिक फॉर्म होती है। तो जब ये सारे प्लॉट, करेक्टर, लैंग्वेज, स्पेक्टिकल सारे मिलकर एकजुट हो के ही एक रिदम जो क्रिएट करते हैं, वही एक लाइफ फोर्स होती है उस प्ले की। जब एक साथ सब सारी चीज़ें साउंड इफ़ेक्ट के साथ, लाइट इफ़ेक्ट्स के साथ उभर के आती हैं और अंत तक वैसी ही चलती हैं, क्लाइमेक्स तक वैसी चलती है, डिनाउंसमेंट तक वैसी चलती है, वही एक सक्सेसफुल प्ले बनाती है, ठीक है। फिर है टोन एंड स्टाइल। प्लेज टोन इज़ द स्टाइल और मैनर ऑफ एक्सप्रेशन। एक प्ले की टोन, उसका स्टाइल, उसका दूसरे प्ले से यूनिक होना, वही सब चीज़ें एक्सप्रेशन के दौर के अंदर ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। द रीडर्स मस्ट इन्फर फ्रॉम द रिटन लैंग्वेज हाउ अ लाइन शुड बी रीड एंड व्हाट टोन ऑफ वॉइस इज इट डिमांड्स। अब ये रीडर्स इंटरफेयर तो कर सकते हैं उस रिटन लैंग्वेज पर ही कि किस तरीके से ये हो सकती थी, क्या इसमें ठीक हुआ जा सकता था, ये ऐसा है, वो ऐसा है। हाउ अ लाइन शुड बी रीड एंड व्हाट टोन ऑफ वॉइस इट डिमांड्स। अब जैसे स्क्रिप्ट आपके सामने है और एक डायलॉग आप उसमें आपको दिया गया है, तो रीडर हम उसे पढ़ने वाले ही ये पढ़ के रिटन लैंग्वेज को समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्टेज पर ये डायलॉग बोला जाएगा, किस लहजे में बोला जाएगा, किस पिच के साथ बोला जाएगा, ठीक है, कितना एफर्ट्स डालकर ये डायलॉग हमें पॉपुलर बनाना है। तो इस तरीके से टोन और स्टाइल सब डिपेंड करता है उस करेक्टर के ऊपर कि जो वो
किरदार निभाने वाला है, तो वो उस स्क्रिप्ट को, रिटन लैंग्वेज को पढ़कर, डायलॉग को पढ़कर खुद ही अंदाज़ा लगा सकता है कि उसको किस तरीके से वो बोलना है चीज़ें, ठीक है। तो ये थे सारे बेसिक एलिमेंट्स, हम नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रामा करेंगे, ओके। तब तक के लिए आप ये अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना, नेक्स्ट वीक फिर क्लास लगेगी। थैंक यू।